गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल कानून की आवाज़ में दोस्तों आपका स्वागत है। सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आज बात करेंगे 161 के बयान पुलिस द्वारा लिए जाते हैं और 164 के बयान मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं। लेकिन जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे आपको इसके फर्क के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारे व्यक्ति जब चालान पेश हो जाता है उसके बाद में जब उनके घर पे नोटिस आता है या पुलिस आती है कि आपको इस मुकदमे में बयान देना है, जब उस व्यक्ति को पता चलता है कि हम इस मुकदमे में हमारा क्या लेना देना है हमें इस मुकदमे से पता नहीं है। लेकिन दोस्तों कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर कोई पुलिस में कंप्लेन करता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है, जब वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं इस टाइम मेरे से इस व्यक्तियों ने लड़ाई झगड़ा किया है, तो उस टाइम जब पुलिस आपको पूछती है कि आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, पुलिस उस टाइम आपके या तो खाली कागज़ों पे साइन करवा लेती है या सारी वो चीज़ें लिख ली जाती है जिस पर आप साइन कर देते हैं। इसलिए कभी कभी ये भी हो जाता है कि आप रास्ते जा रहे हो और कभी कोई मोटर दुर्घटना हो गई, आप वहाँ देख रहे हो, जब पुलिस वहाँ आ जाती है तो आपको ये पूछती है कि ये दुर्घटना हो के बारे में आप क्या जानते हो, ये दुर्घटना आप कब कहाँ खड़े थे, कहाँ किसने टक्कर मारी, ये सारी चीज़ जब पुलिस को आप ये बता देते हो तो पुलिस आपके वहाँ साइन करवा लेती है कि आप केवल साइन कर देती है। इस प्रकार से जब 161 के बयान में वो लिखते हैं कि मैं इस व्यक्ति की टक्कर मारी, मैं यहाँ खड़ा था, इस व्यक्ति ने इससे टक्कर मारी, ये सारी चीज़ें पुलिस वहाँ नोट कर लेती है और आपके साइन करवा लेती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपको पता नहीं है, पुलिस वालों ने खाली कागजों में साइन करा ली, फिर आपको ये पता चलता है कि पुलिस ने कभी साल पर या दो साल बाद में आपको पुलिस ये कहती है कि आप इस केस में गवाह हो और आप कोर्ट में इस तारीख को उपस्थित हो जाना। इसलिए दोस्तों पुलिस द्वारा 161 के बयान नोट किए जाते हैं और 164 के बयान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब किसी महिला द्वारा कोई पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो वहाँ पुलिस तफ्तीश में 161 के बयान महिला के तो थाने में ले जाते हैं, लेकिन पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया जाता है। तो मजिस्ट्रेट द्वारा 164 के बयान जो दिए जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए दोस्तों 161 के बयान पुलिस द्वारा लिए जाते हैं और 164 के बयान मजिस्ट्रेट द्वारा ही लिए जाते हैं दोस्तों। इसलिए 161 के बयान और 164 के बयान बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी आपके 161 164 के बयान लिए जाते हैं तो आप एविडेंस देना जरूर है।